मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे और कलवा के बीच में चलती लोकल ट्रेन से खंभे से टकराने की वजह से एक 18 साल का लड़का दानिश खान गिर गया और घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दानिश खान 3 लड़कों के साथ में लोकल ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़ा होकर यात्रा कर रहा था और इसी दौरान एक दूसरी ट्रेन से कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक दानिश खान से खंभे से टक्कर हो जाती है और चलती ट्रेन से ये नीचे गिर जाता है। दूसरी ट्रेन में वीडियो बना रहे जो यात्री थे, इस घटना को देखकर वो सहम गए। घटना देखने के बाद इन सभी को लगा कि ये लड़का अब जिंदा नहीं बचा होगा, मगर दानिश खान को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दानिश के दोनों हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दानिश खान अपने पिता जाकिर खान और एक भाई एक बहन के साथ में कलवा में रहता है और दानिश के पिता जाकिर खान पुणे में डेकोरेशन का काम करते हैं, मगर इस हादसे के बाद पूरा परिवार सदमे में है। लेकिन दानिश की स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है और उसका इलाज कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में जारी है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।